प्री मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 21 फरवरी 2024 वेडनेसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 103.99। कल का अगर डेली चार्ट देखोगे रेड इन कलर मींस बियरिश कलर बट प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड। आज के दिन में जो मेजर मार्केट देखने वाले हैं वो है आपका एफओएमसी मिनट्स जो हमारे इंडियन मार्केट के मिडनाइट में आने वाले हैं। वहां पे बेसिकली जस्ट क्या पिछले एफओएमसी रेट डिसीजंस के टाइम में क्या मेजर पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर एक नजर हम रख सकते हैं। सो इस कैंडल जो है इसका प्राइम लोकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एज फार एज द टेक्निकल एनालिसिस इज कंसर्न्ड, क्योंकि हम लोग जनरली मींस मेनली हम लोग टेक्निकल एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन के ऊपर बात करते हैं। सो यहाँ पे प्राइस एक्शंस एंड जो एनालिसिस है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर वहीं पे आके प्राइस रुका हुआ है। अभी हमें क्या चाहिए, अगर डॉलर इंडेक्स को सॉफ्ट होना है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल चाहिए पहला वाला टू क्लोज बिलो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड नेक्स्ट डे उसके नीचे फॉलो थ्रू चाहिए। देयर आर सेवरल मींस क्लोजिंग बिलो द सपोर्ट और द अबोव द रेजिस्टेंस लेवल्स, लेकिन उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिलता है जिसके कारण उसका रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। यहाँ पे अगर हमें रिजल्ट मिलना है तो एक तो क्लोज देना है नेगेटिव क्लोज बिलो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड उसके बाद आपका उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक मींस वीकली चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे तो सम सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार अंडर फॉर्मेशंस है, अंडर फॉर्मेशंस क्योंकि आज वेंसडे है, थर्सडे फ्राइडे और दो यानी टोटल एक्चुअली जस्ट इस हफ्ते में दो दिन ही हुआ है, तीसरा दिन चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। सो ये पूरा का पूरा अगर मान लेते हैं फ्राइडे का इस टाइप का अगर कैंडल होते हैं इट विल बी कंसीडर्ड एज ए इवनिंग स्टार, जो अभी है नहीं। हमें थोड़ा सा नजर के साथ इसको मींस देखना है, केयरफुल रहना है। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में कल अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर्स देखा गया इनिशियली आपका ड्यूरिंग द इंडियन मार्केट वर्किंग आवर्स, जहां पे हमने देखा था कि आपका 82, 95, 96 में एक सपोर्ट था, सडनली वो सपोर्ट खिसक गया यानी डिसअपीयर हो गया, फिर 91 के आसपास प्राइस ट्रेड होने लगा। एज ऑफ नाउ द डॉलर इज ट्रेडिंग एट 82, 87 लेवल्स। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस जो दिख रहे हैं वो कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना रहे हैं, यानी यहाँ पे एक आपका एक प्राइस कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है क्योंकि हाईज आर कंटिन्यूअसली कमिंग डाउन, हर इज द लो 82, 80 से 82, 90 का या वो कॉन्स्टेंट फिक्स्ड नंबर्स में है। सो 82, 80 से 82, 90 का जो है वहां पे, सो यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, प्राइस सप्रेस हो रहा है। इस सप्रेशन के बाद किस तरफ भटेगा वो हमें देखना है। यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि इनविजिबल हैंड्स विल कंसिस्टेंटली डिफेंड द लोअर लेवल्स, दैट इज 82.80, 82.90। पहला बात है हम एज्यूम करते हैं विल कीप ऑन डिफेंडिंग द लेवल्स, इन सच केस वंस अगेन ये 83 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच केस क्या हो सकता है कि एक अपवर्ड मोमेंटम मे बी टुवर्ड्स 82 to 83.20 से 83.25 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये किस बेसिस पे है, ये बेसिस है कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट इंटेक्ट है, अगर नहीं है तो राम भरोसे क्या होगा 82.40, 82.60 के तरफ एक शार्प सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मींस बुलिश मोमेंटम बनाना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, यानी 82.8085 लेवल के आसपास लॉन्ग बिल्डअप करना है विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 82.75। ये हो गया हमारा डॉलर रूपी। जीबीपी डॉलर
जेपीपी डॉलर में क्या हो गया, कल के दिन में एक बुलिश मोमेंटम हमने देखे थे लेकिन प्राइस गॉट रिजेक्टेड एट द हायर एंड्स। यहाँ पे कल इवनिंग में ड्यूरिंग यूएस आवर्स ये क्लोजिंग मींस द प्राइस जो चल रहा था 1.2650 के आसपास चल रहा था। यहाँ पर भी हमें क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए अबोव दिस रेजिस्टेंस लेवल जो हो नहीं रहा है। दैट बीइंग द केस प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एक बार कंसोलिडेशन करने के बाद वो अपना दिशा और दशा बना सकते हैं। जीबीपी आईएनआर सेम आपका कल के दिन में एक अप मूव मारा था लेकिन फिर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है। अभी फिर दोबारा ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। सो बट यहाँ पे क्या है, हायर एंड्स पे सेलर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हमें ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डेली क्लोज चाहिए अगर जीबीपी आईएनआर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है। तो अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो डॉलर पे कल ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया बट द कैंडल का जो स्ट्रक्चर है ये बढ़िया नहीं है क्योंकि क्लोजिंग नॉट नियर द हाई, ये क्लोजिंग एट द ऑलमोस्ट नियर द मिड पॉइंट में आया है यानी प्राइस रिजेक्शन आया है। तो ये जो क्लोज है अबव द रेजिस्टेंस इसको हम थोड़ा डिस्काउंट के साथ देखेंगे यानी ब्लाइंडली बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे, थोड़ा कंफर्मेशन के साथ बाइंग हम देखेंगे। क्या कंफर्मेशन, एक स्विंग हाई बनेगा उस आवरली बेसिस पे, अगर स्विंग हाई बनेगा उसके हाई के ऊपर एक बाइंग कीपिंग द लो एज द स्टॉप लॉस, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रख के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यूरो आईएनआर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है बिकॉज डॉलर रुपी पार्ट इज वीकर इन कंपैरिजन टू द यूरो डॉलर पार्ट, दैट इज व्हाई यूरो आईएनआर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं दिखा गया। सो यहाँ पे और थोड़ा टाइम देना चाहिए। डॉलर येन 149.98 यहाँ पे एक नेगेटिव एरिया बना रहे प्राइस कंसोलिडेट। इस कंसोलिडेशन के बाद क्या ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जब तक इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज नहीं देते एंड नेक्स्ट डे उस लो के नीचे फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का केस नहीं बन रहा है। ऑल्दो मीन्स ऑल्सो जब जेपीवाई इकोनॉमी मीन्स जापान का जो इकोनॉमी इन रिसेशन, दो बैक टू बैक क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन में है। सो इज दिस ऑल्सो पुटिंग सम मीन्स रेस्ट्रिक्शंस ऑन द येन स्ट्रेंथनिंग। यहाँ पे जब तक बीओजे अपना डंडा लेके घुमाते नहीं है तब तक यहाँ पे मजेदार सेलिंग है वो नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पे ऑल्दो काफी टाइम्स सेलिंग के लिए इंतजार हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 4-3 आज को लेके 7th डे है, यहाँ पे सेलिंग के लिए हम इंतजार कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, लेकिन हम इंतजार करेंगे। येन आईएनआर सिमिलरली बाइंग के लिए हमें इंतजार है लेकिन यहाँ पे हमें डबल, अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए चाहिए तो हमें यहाँ पे डबल टॉप डबल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके जैसे ऊपर जाएगा बाइंग के लिए एक बढ़िया सा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर 3 बार 4 बार या 5 बार वाला डाइवर्जेंस मिलता है सो बुलिश डाइवर्जेंस मिलते हैं इन सच केस हम लॉन्ग के लिए बिल्डअप कर सकते हैं। अभी आते हैं आपका डॉलर कैंडी। डॉलर कैंडी में आपका कल कनाडा का जो आपका सीपीआई है जो खराब आया है 2.9% में आया है, नहीं माय बैड इट केम बेटर 2.9% इन द मंथ ऑफ जनवरी डाउन फ्रॉम 3.4%। तो यहाँ पे उसके बाद कल के दिन में हमने एक बुलिश कैंडल देखा है। ऑल्दो द कैंडल इज बुलिश इन नेचर बट जो रेंज है हमारा 1.3350 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3550 ऑन हायर साइड, इस जो जोन के अंदर में ही बंदा बैठा हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। क्या ये ऊपर की तरफ क्लियर करेगा या नीचे की तरफ क्लियर करेगा उसके बाद हम इसको पोजीशनिंग करेंगे। ऑसी डॉलर,
$80 में हमारा यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का हमें इंतजार था, वहां पे पहला रेजिस्टेंस। कौन सा पहला रेजिस्टेंस? ये जो है ये पहला रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया है। अभी हमें फिर दोबारा सेकेंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना चाहिए, पॉसिबली ये वाला 0.66 1020 लेवल के ऊपर आके ब्रेक कर देते हैं, या ये ऊपर जाने के बाद एक फिर स्विंग रेजिस्टेंस बनाएगा, फिर उसको तोड़ता है। इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। CNH आपका 7.18, यहाँ पे कल के दिन में PBOC ने अपना प्राइम रेट यानी जस्ट सेकेंड, लोन प्राइम रेट जो 0.25% से कट किया, तो उसके कारण यानी मॉर्गेज लोन्स को वो बढ़ावा देने के लिए इसको कट किया, जिसके कारण चाइनीज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर होम बायर्स। क्या वैसा एक्चुअली हम उसको मेटेरियलाइज होने में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इमीडिएटली बटन दबाया, रेट कट किया तो साथ ही साथ लोग बाय करने चले आएंगे, ऐसा नहीं। इसके लिए फंडामेंटल जो पार्ट है उसके लिए हमें टाइम देना है। टेक्निकल पार्ट में चट मंगनी पट भैया हम कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली हमें थोड़ा सा टाइम देना है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर देके देखना है कि क्या मॉर्गेज लोन यानी होम बायर्स मार्केट में अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं। So, यहाँ पे once again हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस था 7.20 जिसके ऊपर हमारा एक्सपेक्टेशंस ये था कि आपका 7.25 एंड 7.29 का एक CNH का टारगेट हो सकता है, वो सेकेंड टाइम नीचे की तरफ आ गया है बिकॉज ऑफ द ट्रैंकुलाइजर, PBOC का ट्रैंकुलाइजर, यानी जब टाइगर हंट करने जाते हैं या लाइन हंट हंट करने जाते हैं तो नॉट हंटिंग, जस्ट उसको अगर ट्रीटमेंट करना है तो पहले उसको ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है। तो यहाँ पे PBOC ने एक ट्रैंकुलाइजर दिया है मार्केट को ताकि सुधर जाए, उसका जो प्रॉब्लम्स है उसका जो डिजीजेस है उसको रेक्टिफाई किया जाए, रिकवर किया जाए। तो उसके कारण ये फिर दोबारा 7.20 के नीचे आ चुका है। सो हमारा जो कैलकुलेशन जो 7.25 वो मेटेरियलाइज होते होते रह गया, क्योंकि यहाँ पे आपका 7.2330 तक गया था, अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। हमें देखना है ये सॉफ्टनेस क्या आने वाले दिनों में कंटिन्यू करते हैं या नहीं। अभी हमारा ब्रेंट क्रूड कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन लिया गया है जहां पे गाजा का जो गाजा स्ट्रिप का जो आपका डीएस्केलेशन करने के लिए प्रोसेस इनिशिएट किया जाए, जिसके कारण एक नेगेटिव कैंडल बना हुआ है। अभी क्या यहां से फिर ग्रेजुअली ये नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आएगा तो पहले जो हर्डल होगा 81.00 में यानी सपोर्ट होगा, उसको अगर ब्रेक करते हैं तो इन सच केस हमारा नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 78 का। सो हमें देखना है कि ये फर्दर आज के दिन में सेलिंग कंटिन्यू होते हैं या नहीं। ये हो गया ब्रांड क्रूड का। US ट्रेजरी 4.27 आज के दिन में FOMC मिनट्स का इंतजार है, जहां के जिसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है ये आपका जो 16 फरवरी का कैंडल है, ग्रीन कलर का कैंडल है, इसके लो के नीचे एक सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या आज के FOMC मिनट्स के बाद ये 10-year ट्रेजरी इस लो के नीचे इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं? नाउ द रिलेवेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट देयर। सो ये जो ग्रीन कैंडल है, दिस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर सस्टेन करते हैं इन सच केस हल्का सा सॉफ्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसमें? आपका US 10-year ट्रेजरी के प्राइस एक्शन में। उसके बाद आते हैं 2-year ट्रेजरी 4.60। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा आप हमें देखना है FOMC रेट डिसीशंस के बाद क्या ये 16 का लो है, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं। इन सच केस सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, इसको तोड़ना पड़ेगा अगर फर्दर ऊपर जाना है तो। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस
अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा हो। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।